नाउ अब हम देखते हैं एडजेक्टिव में। आज एडजेक्टिव का जो सीरीज चल रहा था हम लोग का पार्ट 3, ठीक है, इसे देखते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ी सी एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो फिर ये 2 ही पार्ट में ख़त्म हो गया होता, ये लेसन समाप्त हो गया होता। खैर कोई दिक्कत नहीं, एक पार्ट और में हम देख लेते हैं। तो हमने इसके पहले तक जाना था एडजेक्टिव ऑफ नंबर तक, ठीक है। इसके लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर तक देखा हुआ, और फोर्थ नंबर पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं जो क्या करते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं किसी पर्सन या थिंग्स को, क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सब पर्सन और थिंग इज कॉल्ड और डेमोन्स्ट्रेटिव। फाइन, कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, पहचान पाएंगे कि हाँ ये वर्ड्स क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को शो कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं। तो दीज, दैट, दीज, दोज एंड सच एक्सेट्रा आर सच एज वर्ड्स दैट दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल सी हियर, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपको कि दिस मैन विल गाइड यू। अब देखिए मैन क्या है, मैन तो है नाउन और नाउन के पहले ये दिस आया, तो यहाँ पे दिस जो क्या है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को काम कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को शुरू कर रहा। और ये एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे दिस को। नेक्स्ट देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या करता है, मतलब पजेसिव को हम समझ रिलेट कर लेंगे पजेसन से, और पजेसन का मतलब होता है कि अधिकार दिखाना या रिलेशन को शो करना। तो ऐसे एडजेक्टिव जो पजेसन को शो करे या रिलेशन को शो करे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव यू शो पजेसन और रिलेशन, ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव जो पजेसन या रिलेशन है, ठीक है, क्या कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो पजेसिव एडजेक्टिव हो सकते हैं, आइए उन्हें देखते हैं। तो हमारे पास वर्ड्स हैं माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स एंड डियर्स। व्हाट प्रोनाउंसिएशन, डियर्स, ठीक है। तो डियर्स ये क्या है बाबू, ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम क्या है जो क्या होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव कब होंगे, जब अगर इनके ठीक बाद अगर कोई नाउन आती है तब तो ये एडजेक्टिव होंगे, अगर ठीक बाद इनके कोई नाउन नहीं आते तो यही वर्ड्स क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे, जैसा कि हमने प्रोनाउन वाले लेक्चर में समझा हुआ इस बात को। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने शेयर किया हुआ है, हिज फादर इज गोइंग टू दिल्ली। अब फादर क्या है बाबू, नाउन है और नाउन के पहले हिज आया, ठीक है, ये जो हिज क्या है हो जाएगा यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने आपको प्रोनाउन वाले वीडियो लेक्चर में ये बताया हुआ है कि हिज एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव की जैसे भी होता है और प्रोनाउन की जैसे भी यूज होता है, ठीक है। अगर जो लोग ये प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया जाएं और जाके प्लेलिस्ट में से एडजेक्टिव वाली सॉरी प्रोनाउन वाली वीडियो को देखें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट करना का आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है, बांट देना, उसको डिवाइड कर देना, तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो समझने की कोशिश करते हैं तो ईच, एवरी, ईदर, ईदर, प्रोनंसिएशन का ध्यान देंगे, ईदर एंड नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच बॉय हैज अ पेन। अब यहाँ पे देखिए इसके जस्ट बाद बॉय क्या है, बॉय नाउन है, इसके ठीक बाद नाउन आया, तो क्या हो जाएगा, ये ईच क्या हो जाएगा बाबू, इसके बाद बॉय क्या है, बॉय जो नाउन है और नाउन के पहले जो वर्ड आया हुआ है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे वाट, विच एंड वुज, ठीक है, आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दे आर यूज विद अ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस। जब वाट, विच एंड वुज का प्रयोग किसी नाउन के साथ किया जाए, ठीक है, किसी नाउन से क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाए, सॉरी, तो वे क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल शेयर किया हुआ है, विच बॉक्स इज योर्स, विच बॉक्स, बॉक्स क्या है वो नाउन है, इसके पहले जो आया क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एक और मैंने एग्जांपल यहाँ शेयर किया हुआ आपके साथ, हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हुज है ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव, और बुक क्या है यहाँ पे, नाउन है। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो पाई होगी। आइए इसके बाद जो बचे हुए 3 और एडजेक्टिव्स हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़।
नाउ देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव. द एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव. ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से मिलके बने होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज एन इंडियन स्टूडेंट. तो बाबू यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट है, लेकिन कैसा स्टूडेंट है, भारतीय स्टूडेंट है. तो यहाँ पे जो ये इंडियन है, ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है. नेक्स्ट है, डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर. अब वो कल्चर तो है, संस्कृति तो है, सभ्यता तो है, लेकिन कैसी है, उसकी विशेषता क्या हो गई, यूरोपियन हो गई, ठीक है ना. वह सभ्यता तो है लेकिन कैसी हो गई, यूरोपियन हो गई, ठीक है. तो यहाँ पे इंडियन और यूरोपियन जो है वो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स है. नेक्स्ट है इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है. तो इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, जो इम्फेसाइज करने के लिए यूज होते हैं, मतलब कि जो बल देने के लिए, ठीक है, यूज होते हैं, फोर्स करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें क्या होते कहते हैं, इम्फेसाइजिंग कहते हैं. जैसे ओन, वेरी, सम वेरी एक्सेट्रा आर सच एडजेक्टिव्स एज आर यूज टू कन्वे इम्फेसाइज ऑन द नाउन दैट फॉलो देम, ठीक है. ओन, वेरी, सम वेरी, ठीक है. जब ये किसी नाम को इम्फेसाइज करने के लिए यूज होते हैं, और ये उसी नाम को इम्फेसाइज करते हैं जो इनको फॉलो करती है, जो इनका अनुसरण करती है, ठीक है. तो ये क्या कहलाते हैं, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे, आई सॉ देम विद माय ओन आईज, मैंने उसे अपनी खुद की आंखों से देखा. तो जो यहाँ पे ये ओन है बाबू, ये क्या है, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है. क्या है, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज वेरी बुक आई वॉन्टेड, ठीक है. तो यहाँ पे जो वेरी है ना, ये वेरी वेरी देखिए नाउन के पहले आया, हमेशा एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज होता है. आई यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है. तो यहाँ पे वेरी का मतलब होता है, देखो वेरी में सब जानते हैं कि बहुत होता है, लेकिन वेरी का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी सेम चीज़ को, ठीक है ना. मतलब ये किसी ऐसी चीज़ के बारे में बता रहा है, बताता है कभी कभी कभी, जैसे आर्टिकल कभी द के बारे में मैंने बताया बस कई सारे वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है, कि वो बताते हैं किसी सेम चीज़ को रिफर करने लगते हैं, ठीक. मतलब ये यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर हम समझें तो क्या होगा, दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, वो ये, ठीक है ना, यह वही किताब है जो मैं चाहता था, ठीक है. वही किताब मतलब किसी, इसका मतलब ये कि ये जो किताब है ना, इससे जो पर्सन है, ठीक, वो क्या ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है, परिचित है, ठीक है, फेमिलियर. नेक्स्ट एंड लास्ट वन ऑफ लास्ट वन टॉपिक ऑफ दिस लास्ट वन काइंड ऑफ द एडजेक्टिव एडजेक्टिव इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है. अब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आई होप परिचित हैं आप लोग, ठीक है ना. एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन सेंटेंस में जाना था तो क्या होते थे, वो सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते थे. ये भी कुछ ऐसा ही करेगा, कैसे करेगा तो देखते हैं. व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है. व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव तब कहलाता है जब यह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ हो, मतलब कि उसकी उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करे कि विशेषता बताने के लिए यूज हो, एडजेक्टिव के लिए यूज हो, एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा. आइए एग्जांपल देखते हैं. जैसे व्हाट एन आइडिया, ठीक है, व्हाट एन आइडिया, जैसे आइडिया तो है, विचार तो है, लेकिन अब वहाँ पर व्हाट यहाँ पे जो क्या शो कर रहा है हमको, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को शो कर रहा है. व्हाट फुली, ठीक है. यहाँ पे जो व्हाट ये क्या कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को शो कर रहा है. या फिर और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे व्हाट अ पीस ऑफ मैन, मैंने कहा व्हाट अ पीस ऑफ मैन, ठीक है. तो इसमें जो व्हाट अ पीस ऑफ मैन में जो व्हाट है वो किसको शो करा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को शो करा. तो गाइस इस प्रकार से हमने एडजेक्टिव को थ्री वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हमने क्या किया, इस पूरे टॉपिक को फिनिश कर दिया. घर पर बैठ के बुक्स को उठाइए और उसमें कौन सा, पहले एक बार इसे वीडियो पुश पॉज करके पूरा अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए, इसे लिखने की कोशिश करिए, ठीक है. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप नंबर में अपनी डाउट को शेयर कर दीजिए, ठीक है. उस माध्यम से आप अपना डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है. के साथ साथ बुक्स उठाइए, बुक्स उठा के एडजेक्टिव में जो भी है उनका यूज़ कहाँ होगा, उस एडजेक्टिव को कैसे वर्ड्स को देख के बताएंगे कि यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हुआ है ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है या नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर हो जाएंगी, ठीक है. अब जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो सो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए,
ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।